दोस्तों कुक शेफ के टॉपिक के ऊपर तो हमने बहुत सी वीडियो बनाई है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो होटल या रेस्टोरेंट के स्टीव डिपार्टमेंट के ऊपर ये हमारी वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होटल या रेस्टोरेंट में स्टीव डिपार्टमेंट क्या होता है, स्टीवर्ड की जॉब क्या होती है, उसका काम क्या होता है, अरब कंट्री में होटल या रेस्टोरेंट में स्टीवर्ड की सैलरी कितनी होती है, स्टीवर्ड को बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, स्टीवर्ड को कौन से स्किल आने चाहिए या उसको कौन से स्किल सीखने चाहिए, आज का ये स्टीवर्ड कल को शेफ कैसे बन सकता है, कैसे ये स्टीवर्ड एक डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके लिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी हिसाब स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इरफान नवाज और हमारे चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लें कि हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जी दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि होटल या रेस्टोरेंट में स्टीवर डिपार्टमेंट क्यों ज़रूरी है, स्टीवर्ड की जॉब उसका काम क्या होता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो स्टीवर डिपार्टमेंट होता है वो किचन में एक बहुत अहम डिपार्टमेंट होता है। आप किचन में जो कुक शेफ लोग होते हैं वो फ्रंट पे खड़े होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे खाना बना रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो स्टीवर्ड होते हैं ये इसके बैकअप पे होते हैं, ये बैकअप दे रहे होते हैं। मान लो कि जैसा कि जितनी भी जो क्लीनिंग होती है, जितनी भी जो बर्तन वाश करने का जो काम होता है, ये स्टीवर्ड डिपार्टमेंट का ये काम होता है। स्टीवर्ड जो है इसका काम थोड़ा सा हार्ड वर्किंग इसका काम रहता है। अब होटल के अंदर कुक शेफ जो होते हैं वो किसी किस्म की बर्तन वाश नहीं करते, वो टेबल क्लीन नहीं करते, क्योंकि उसकी बेसिक वजह यह है कि उनको अपनी जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करना होता है। अगर ये वाशिंग की तरफ अगर चले जाएंगे कुक शेफ, तो वो फिर पर्सनल अपनी हाइजीन या और भी मुख्तलिफ तरह की जो हाइजीन है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए होटल या रेस्टोरेंट में के अंदर किचन डिपार्टमेंट को बनाया गया। और ये जो लोग होते हैं यहाँ पे बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत मेहनत के साथ यहाँ पे काम करते हैं और जो बैकअप देते रहते हैं शेफ़ को, कितनी बड़ी पार्टी को, कितना बड़ा फंक्शन हो, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे बैकअप पे खड़े होते हैं। यहाँ पे जितनी भी क्लीनिंग होती है, जितने भी बर्तन वाश करने होते हैं, ये सब जो है स्टीवर डिपार्टमेंट के अंडर में होते हैं। और स्टीवर डिपार्टमेंट का भी अपना एक सर्कल होता है, यहाँ पे इनके शिफ्टें बनी होती हैं, शिफ्टों में ये लोग काम कर रहे होते हैं और इनके साथ इनका एक सुपरवाइज़र होता है, इनका एक चीफ होता है, जो चीफ स्टीवर्ड के नाम से जिसको बोला जाता है। अब बात करते हैं कि अरब कंट्री में जो स्टीवर्ड हैं, स्टीवर्ड की होटल या रेस्टोरेंट में इनकी सैलरी कितनी रहती है। अब अरब कंट्री में इनकी जो सैलरी रहती है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इनकी मुख्तलिफ सैलरियाँ हैं, लेकिन अगर बात करें अगर दिनार में, तो इनकी सैलरी तकरीबन होटल के अंदर, होटल या रेस्टोरेंट में 150 दिनार से 200 दिनार तक इनकी सैलरी रहती है। अगर इसको हम सऊदी रियाल में देखें तो ये सैलरी तकरीबन 1500 रियाल से 2000 रियाल के करीब इनकी सैलरी लेती है, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त करीबन 1 लाख के करीब करीब और 1 लाख से अबव इनकी सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में हो जाती है। करेंगे बेनिफिट की, तो स्टीवर डिपार्टमेंट को वही बेनिफिट मिलते हैं जो किचन में कुक लोगों को जो बेनिफिट मिल रहे होते हैं, जैसा कि पब्लिक हॉलीडे इनको मिल रही होती है, वीकली इनको ऑफ मिल रही होती है, और जो तमाम पेड होती है हॉलीडेज़ और पब्लिक हॉलीडे पेड इनको मिलती है, और जो वीकली ऑफ वो भी पेड मिलती है। और इसी तरीके से ये एग्जाम्पल अगर 1 साल का अगर टाइम पीरियड जहाँ पे काम करते हैं उसके बाद इनको वही बेनिफिट मिलता है, जैसा कि सैलरी टिकट इनको हो गया। अगर 2 साल के बाद मूव करते हैं, वोकेशन जाते हैं, तो 2 साइड टिकट होता है और इनको सैलरी भी पेड मिलती है, बहुत अच्छा बेनिफिट इनको मिलता है। और इसी के साथ सेम रूम, अच्छा रूम, वीआईपी रूम मिलता है, और लॉन्ड्री की सहूलत मिलती है, फूड जैसा कि फूड भी मिलता है, और इसी के साथ रूम के अंदर वाईफाई वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बात करेंगे स्किल की, तो स्किल बेसिकली जो स्किल हैं, जैसा कि स्टीवर्ड को स्किल आने बहुत ज़रूरी है। अब स्किल से मुराद यहाँ पे ये है कि जो किचन के अंदर जितने भी केमिकल हैं, केमिकल का पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि टाइल क्लीन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाए, अगर स्मेल आ रही है तो उसको खुशबू देने के लिए, स्मेल ख़त्म करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाए केमिकल, या बर्तन वाश करने के लिए, प्लेट वाश करने के लिए, ग्लास वाश करने के लिए, स्टील का बर्तन वाश करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाए, कौन सा साबुन कितनी मिकदार में यूज़ किया जाए। और इसी तरीके से सम टाइम कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिन पे थोड़ा जंग आया होता है, उनको क्लीन करने के लिए कैसे
कौन सा केमिकल यूज़ किया जाए, जैसा कि हॉट प्लेट का इस्तेमाल जैसा ज़्यादा रहता है, ग्रिल का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है, उसको क्लीन करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ कर किया जाए, ओवन होता है उसको क्लीन करने के लिए कैसे क्लीन किया जाए, इसी तरीके से बाकी जो चूल्हे हैं उनको कैसे क्लीन किया जाए, और जो सैनिटाइज़ किया जाता है टेबल वगैरह को सैनिटाइज़ किया जाता है उसके बारे भी नॉलेज होना चाहिए, कौन से सैनिटाइज़र से इसको क्लीन किया जाए ताकि वहाँ से कुछ बैक्टीरिया कुछ हैज़र्ड की प्रॉब्लम ना हो जाए, वहाँ से कुछ हाइजीन का प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरीके से ताकि वो साफ़ रहे। और जो तरतीब की जाती है जैसा कि सेटअप किया जाता है फ्रिजों का, फ्रिजों की क्लीनिंग की जाती है, इसी तरीके से स्टीवर्ड को अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में भी ज़रूरी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उसको अपना यूनिफॉर्म के बारे में, अपनी शेविंग, अपने बाल कटिंग होने चाहिए, प्रॉपर अपने आप को लुक जो एक वेरी हैंडसम है उसको नज़र दिखानी चाहिए। और यहाँ पे मैं स्टीवर्ड को एक टिप्स देना चाहूँगा, एक खुशखबरी भी देना चाहूँगा, वो इस तरीके से कि जो स्टीवर्ड हैं वो जब इस डिपार्टमेंट में आते हैं, नए आते हैं, उनको नहीं पता होता है, जब काम सीख लेते हैं मैक्सिमम उनका एक वन ईयर लगता है, एक साल लगता है, उसके अंदर पूरा वो काम सीख लेते हैं, हर तरह के स्किल सीख लेते हैं, हर तरह का काम सीख लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो स्टीवर्ड होता है वो अपने ही स्टेशन पे खड़ा होता है, वहाँ पे बर्तन वाश कर रहे होते हैं, उससे आगे वो जाता ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम यही होती है कि जिसकी वजह से उसका रोना धोना होता है कि भाई मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अब देखें स्टीवर्ड जो है, मैं जैसा कि उसको अभी बताया कि उसको स्किल आने बहुत ज़रूरी है, यही जो स्टीवर्ड है कल को वो अपने डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र बन सकता है, यहाँ से ही वो आगे अगर जाए ठीक है तो वो चीफ स्टीवर्ड की पोस्ट तक भी पहुँच सकता है। अब उसको इतनी तालीम की ज़रूरत भी नहीं है ठीक है, इतना हो कि वो लिखना पढ़ना उसको आना चाहिए, अगर मैट्रिक है तो वेल डन बहुत ठीक है, बस इतना हो कि उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए, अपने जो डिपार्टमेंट है उसको संभाल सके। जैसा कि पार्टी फंक्शन होते हैं, पार्टी फंक्शन के अंदर स्टीवर्ड का एक रोल होता है, जैसा कि बुफे लगाने होते हैं, बुफे की जो पॉलिशिंग की जाती है और उसको जो अरेंजमेंट की जाती है कि इतनी डिशेज़ हैं, इतनी डिशेस के पीछे कितने बुफे लगेंगे, कहाँ पे लगेंगे, कैसे लगेंगे, पूरी जो तरतीब होती है, उसके नीचे बर्नर लगाए जाते हैं, ये तमाम जो सेटअप होता है ये सारा स्टीवर्ड डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। तो दोस्तों एक और मैं बताता चलूँ कि यही स्टीवर्ड जो होता है, आज का स्टीवर्ड कल का शेफ भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए स्टीवर्ड को अपना दिमाग हाजिर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टीवर्ड होता है वो डायरेक्टली किचन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती, वो डायरेक्टली किचन के अंदर ही रहता है। अब अपने स्टेशन से मूव करके वो आ सकता है किचन में। अब बहुत से स्टीवर्ड हैं वो उनको फूड के बारे में फुल नॉलेज होता है, लेकिन मैं उनको ये बताता चलूं कि आज का स्टीवर्ड कल का शेफ कैसे बन सकता है। स्टीवर्ड को करना क्या है कि फूड के बारे में उसको फुल नॉलेज है कि कौन सी डिशेज हैं, उनका नाम उनको याद है, वेजिटेबल का नाम है, मसालों का नाम उसको आता है, और कुछ डिशें उसको पता भी है कि कैसे कैसे बनती हैं, कौन से बर्तन में बनती हैं, कितनी मकदार में बनती हैं। तो इस तरीके से वो एग्जा हेल्पर का भी काम करते रहते हैं। तो मैं भी यही गुजारिश करूंगा, आप किचन में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो हैं ऑलरेडी, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपका वहाँ पे मौके पे मौजूद जो कुक शेफ है उसके साथ आप उनके साथ आप ज़्यादा अट्रैक्टिव रहें, और इसी तरीके से आप बार बार देखें कौन सी डिश बन रही है, कैसे बन रही है, और कोशिश करें कि आप उस पर भी तवज्जो दें और कोशिश करें उसको बनाने की कोशिश करें। और इस तरीके से जब आप एक एज अ हेल्पर की तौर पे भी आप काम करते हैं, जब आपका काम इधर से फ्री है, आप अपने डिश वॉशिंग से जब फ्री है, तो आप किचन एज अ किचन हेल्पर का भी काम करें ठीक है, थोड़ी सी आपको तकलीफ़ रहेगी लेकिन आज का काम सीखा हुआ आपको कल बहुत काम देगा। इसी तरीके से आप काम सीखते सीखते एज अ हेल्पर की पोस्ट पर पहुँच सकते हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि जब आप अच्छे तरीके से काम सीख लेंगे, बहुत अच्छा काम सीख लेंगे, तो ये आपको बताता चलूँ कि होटल के अंदर जो एक रूल होता है कि कोई भी जो डिपार्टमेंट का एक स्टाफ है वो अपने डिपार्टमेंट से मूव करके दूसरे डिपार्टमेंट में इजीली जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसको कुछ उस दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में उसको कुछ नॉलेज आना उसको बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जब आप थोड़ा बहुत काम सीख लेंगे तो आप स्टीवर्ड से निकल के आप एज अ किचन हेल्पर में आ सकते हैं, कॉमी थ्री में आ सकते हैं, और जब कॉमी थ्री में आ गए तो आपकी लाइफ बन गई है, और आप इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता काम सीखते गए और एक दो साल मज़ीद आपने लगाए, मूव करें, किसी दूसरी जगह जाएँ, कॉमी टू जाएँ, कॉमी वन पर जाएँ, और उसके ऊपर जाएँ, आप डी सी पी जाएँ, सी डी पी पर जाएँ, शेफ दी पार्टी की पोस्ट पर जाएँ, और हमने अपनी आंखों से देखें
बिलीव मी कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं, आप अपने राइट लेफ्ट पे जो देखें, आज से जो 10 साल पहले 15 साल पहले जो स्टीवर थे, लेकिन आज वो एग्जीक्यूटिव शेफ की पोस्ट पे बैठे वो काम कर रहे हैं। और एक और मैं बताता चलूँ कि जैसा पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो होटल के अंदर जो अप्रेंटिसशिप कराई जाती है, इससे पहले तो यही था कि जो 2 साल की मान लो कि अप्रेंटिसशिप है, उससे पहले उसको थोड़ी सी 1-2 महीने उसको स्टीवर डिपार्टमेंट में डाला जाता था, वहाँ पे बर्तन वाश करता था, क्लीनिंग करता था। उसकी वजह, बेसिक वजह यह है कि उसको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, एहसास भी होना चाहिए, बर्तन वाश के बारे में पता होना चाहिए कि बर्तन वाश कैसे होते हैं वगैरह वगैरह। उसको ये ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो कि बहुत ज़रूरी है ये ट्रेनिंग लेना। उसके बाद आगे चलती है उसकी अप्रेंटिसशिप किचन में आता है, और वो तमाम वहाँ पर हर चीज़ के बारे में कोर्सेज करता रहता है। अब बहुत से लोग होते हैं जो कि बोलते हैं हम स्टीवर्ड में काम नहीं करना चाहते। मैं उनको बताता चलूँ कि ये एक होटल में इंटर होने का ये एक वाहिद रास्ता होता है, और बेहतरीन ये रास्ता है कि होटल में इंटर होने का, कि आपने स्टीवर्ड की नौकरी, स्टीवर्ड डिपार्टमेंट को आपने ज्वाइन कर लेना है। मिनिमम आपने 1 ईयर वहाँ पे काम करें, काम करने के बाद आप स्किल सीखें, आप किचन डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं किचन में, वहाँ का आप स्किल सीखें, वहाँ का काम सीखें, आप वहाँ से मूव करें डायरेक्ट किचन में आ जाएं। अगर आपको लगता है आप वेटर में जाना चाहते हैं, वहाँ से आप मूव करें वेटर में चले जाएं। अगर आपको लगता है हाउसकीपिंग, आप वहाँ से मूव करें हाउसकीपिंग में भी आप इजीली जा सकते हैं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो आप लोग अभी देख रहे हैं, तो आप मेरी इस बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। स्पेशली जो होटल रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले जो स्टीवर्ड हैं, वो ज़रूर इस बातों मेरी बातों पर अमल करेंगे। तो जी दोस्तों, अगर आप टिकटॉक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो टिकटॉक पर आपको यूट्यूब चैनल का नाम नज़र आ रहा है, आप इस नाम पे सर्च करके हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पे आपको यूट्यूब चैनल का लिंक नज़र आ रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त चाहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।